सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey everyone, in this video I am going to start the new chapter of class 11, that is morphology in flowering plants. It is the first chapter of second unit, that is organization in plants and animals. सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फ्लावरिंग मीन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है वही फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो उसका जो वो जो प्लांट है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए जो अब इस स्ट्रक्चर जो इस चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि जो प्लांट है उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी हमें दिखता है एक्सटर्नली जो दिखता है वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। लाइक जो प्लांट के जो पार्ट हैं लाइक जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, दिस इज रूट, और जो ग्राउंड से ऊपर का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं शूट। जनरली जो ग्राउंड के नीचे जो पोर्शन होता है उसे रूट कहा जाता है और जो ग्राउंड से ऊपर का जो पोर्शन है फ्लावर का उसे शूट कहा, प्लांट का उसे शूट कहा जाता है। अब देखिए जनरली मैंने इसीलिए बोला है कि आगे हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो शूट का भी कुछ पार्ट जो है अंडरग्राउंड मिलता है, कोई जो रूट है वो भी ग्राउंड से ऊपर मिलती है, लेकिन जो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो रूट इज़ प्रेजेंट बिलो द अर्थ, कि जो रूट सिस्टम है वो अर्थ से नीचे, अर्थ का जो सरफेस उससे नीचे मिलेगा, और जो अबो द ग्राउंड लेवल है वो क्या होता है, शूट होता है। शूट सिस्टम में ये क्या होता है कि जो ये पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीव्स है, हो गया लीव, उसके बाद हम अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो फ्लावर होगा विच इज़ अ मॉडिफाइड शूट और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड फ्लावर। कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, वो फ्लावर के अंदर होते हैं। तो उसके बाद देखा है कि जो फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर है उसमें जो फीमेल पार्ट होता है उसमें ओवरी होती है, तो जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें फ्रूट के बारे में भी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ये फ्रूट है, फ्रूट। तो एक्सटर्नली हमें जो भी कुछ जितने भी जो प्लांट है उसके पार्ट हमें दिख रहे हैं वो हमें मॉर्फोलॉजी में पढ़ने हैं। तो देखते हैं वन बाय वन हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ हमें रूट के बारे में पढ़ना है, जो रूट है वो टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है स्टेम, स्टेम की मॉडिफिकेशन, स्टेम जो है वो किस किस तरीके से मॉडिफाई हुई है, किस फंक्शन के लिए मॉडिफाई हुई है, ये पढ़ना है। उसके बाद थर्ड है लीव, लीव्स के बारे में हमें मॉडिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीव, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, वेनेशन एट्सेट्रा, ये पढ़ना है। उसके बाद है फ्लावर, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है देखिए जो फ्लावर हैं, कभी आप देखा है कि ब्रांच के ऊपर या कई बार होता है कि एक ही फ्लावर मिलता है, लेकिन कई प्लांट में ऐसे भी होता है कि एक ही ब्रांच के ऊपर बहुत सारे फ्लावर भी अरेंज होते हैं। इसे इस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस या ब्रांच के ऊपर इसे कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ब्रांचेस इसे इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है, तो हमें इनफ्लोरेसेंस के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट आ गया फ्रूट, फ्रूट के बारे में पढ़ना है,
फ्रूट हमें पता है कि जो राइपिंड ओवरी है, फर्टिलाइज्ड ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। टाइप ऑफ फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इज जो फ्रूट है उसके अंदर मिलेगा सीड। नॉर्मली जो फ्रूट है उसमें सीड होता है, अदर जो कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड नहीं होता, वो स्पेशल टाइप के फ्रूट होते हैं, उन्हें कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन हमें जनरल जो फ्रूट है उसमें सीड मिलता है, तो हमें सीड के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इस टाइप से सीड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है जो डोरमेंसी ऑफ सीड, सीड की डोरमेंसी क्या होती है। तो अभी देखिए इस चैप्टर में हम क्या है कि ये ओवरव्यू है कि हमें क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नली हमें जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्लावर के टाइप्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लावर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके बारे में पढ़ना है। इनफ्लोरिसेंस का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द ब्रांचेस, कि एक जो एक्सिस है फ्लोरल जो एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर अरेंज हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद टाइप ऑफ फ्रूट पढ़ना है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ड्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट लाइक। और उसके बाद है सीड, सीड का जो सीड के बारे में हमें पढ़ना है, एल्ब्यूमिनस सीड है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लेसन, कि हमें इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं।